थाना छोला मंदिर पुलिस ने लुटेरी गैंग का किया पर्दाफाश। ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर लोहे की चादर से लदे ट्रक एवं नकदी समेत करीब 11.25 लाख का मशरूका लूटा था। छोला पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सनसनीखेज घटना का पर्दाफाश कर 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। थाना छोला मंदिर पुलिस ने 5 लूट करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस की बड़ी कार्यवाही मीडिया को जानकारी देते हुए थाना छोला मंदिर प्रभारी सुरेश नागर ने बताया। सर, छोला पुलिस ने लुटेरी गैंग का पर्दाफाश किया है, क्या है पूरा मामला? इसमें दिनांक 5/6/2024 को फरियादी सर्जन रावत निवासी बराइठा जिला राजगढ़ द्वारा मैं अपने मालिक नेहरू दीन के थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट किया कि मैंने दिन में लोहे की चादरें भरी थी, शंकर नगर से भरकर खड़ा हो गया था। खड़ा हुआ, जैसे मैं निकला तो पानी की बारिश होने लगी, तो गाड़ी को किनारे लगाकर मैं मोबाइल देखने लगा। उसी समय रात्रि करीब 10:30 बजे 4-5 बदमाश आए, जो ड्राइवर की खिड़की तरफ से चढ़े एवं कंडक्टर साइड से चढ़े। ड्राइवर को एकदम मुँह दबा लिया, हाथ पैर बांध दिए, मारपीट की और किसी नुकीले हथियार से गले में चोट मारी, जिससे उसके निशान थे, जिस पर से अपराध धारा 394/34 IPC का जुर्म बाबत पूछताछ की गई। उसने जुर्म स्वीकार किया और बताया कि आज दिनांक को 10:30 बजे मैंने कृष्ण कुमार अहिरवार ने, पवन धाकड़ ने, हेमराज अहिरवार ने और विशाल अहिरवार ने मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। तब मैं गाड़ी को और उसी में डाबर को बांध के रखा था। फिर माली खेड़ी से निकलते हुए मावली पहुँचे, मावली तरफ से खजरा तरफ होते हुए सीधे सूखी बाईपास।